नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जी दर्शकों, आज से ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल शुरू हो गई है और देख सकते हैं जो बस ऑपरेटर है उन्होंने साइड में अपनी बसें जो है वो खड़ी कर दी है, क्योंकि आज गगल चौक से हर जगह चौक पर जो है वो ट्रक ऑपरेटरों ने हड़ताल कर दी है। सभी को विदित है कि वजह क्या है जिस वजह के चलते ये ट्रक ऑपरेटर जो है वो सड़कों पर उतरे हैं। फिलहाल ये देख सकते हैं अचंभे की ये लाइव तस्वीरें हैं और यहाँ पर तमाम ये आईटीआई के छात्र हैं और बस ना मिलने से देख सकते हैं साइड में जो है वो खड़े हैं। तो ऐसे में हड़ताल के चलते कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है, आम जनता है, खासी परेशान जो है वो इससे है। फिलहाल ये देख सकते हैं सड़क के दोनों छोर जो है वो लोग खड़े हैं, ये जो ट्रक ऑपरेटर है वो खड़े हैं। हालांकि कल ये कहा गया था कि जो चालक इस हड़ताल में शामिल नहीं होंगे ट्रक ऑपरेटर, उन्हें चूड़ियां और बिंदी जो है वो लगाई जाएगी और उसके साथ ही उनका स्वागत जो है वो किया जाएगा। फिलहाल देख सकते हैं क्योंकि संशय अभी भी बरकरार है कि बसें जाएंगी कि नहीं जाएंगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि बसें जो है वो जो पठानकोट से कांगड़ा की ओर को आती है वो यहाँ इस चौक पर खड़ी हो गई है, क्योंकि आगे जाएंगे तो आगे फिर से ये बसें जो है वो रोक ली जाएंगी। तो ऐसे में एक अच्छा स्थान देख के बस चालकों ने बसें जो है वो सड़क किनारे खड़ी कर दी है। फिलहाल छोटे व्हीकल जो है वो जा रहे हैं, ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें चंबी से, ये लाइव तस्वीरें हैं और ये देख सकते हैं लोग यहाँ पर खासे परेशान हैं। अंकल कहाँ जाना है आपको? जाना तो मेरे को नगरोटा था। फिर कब से खड़े हैं इधर? हो गया एक घंटा। अच्छा, बस नहीं जा रही है या खड़ी नहीं हो रही है? बस तो जा रही है। हाँ। तो रोक रहे हैं। अच्छा, रोक रहे हैं आगे गगल में फिर रोके। तो देख सकते हैं इस हड़ताल के चलते कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है जरूर परेशान जो है वो हो रही है, क्योंकि लोगों को अपने काम के सिलसिले से कभी नगरोटा तो कभी टांडा की ओर रुख जो है वो करना पड़ रहा है। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है और कुछ को अगल रोक लिया जाएगा। तो ऐसे में देख सकते हैं कुछ बसें जो है वो चलने शुरू हुई है, हालांकि आगे जो है वो इन्हें रोक लिया जाएगा, क्योंकि गगल चौक पर जो है वो बड़ा प्रदर्शन ट्रक ऑपरेटरों का हो रहा है। तो इसके बाद की लाइव तस्वीरें हम आप तक साझा करेंगे। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर रोका जो है वो जा रहा है, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। चंबी का चौक और जो क्योंकि ट्रक ऑपरेटरों ने हड़ताल जो है वो शुरू की है, हालांकि जिला प्रशासन की परमिशन जो है वो उनके द्वारा ली गई है, लेकिन देख सकते हैं साइड में इन ट्रकों को खड़ा जो है वो किया जा रहा है। तमाम ट्रक ऑपरेटर यहां पर भी खड़े हैं और जो भी ट्रक ऑपरेटर आगे जाने की कोशिश कर रहा है उन्हें रास्ते में ही रोककर खड़ा कर दिया जा रहा है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें उन्हें बोलना आज से 22 तारीख तक ट्रक ऑपरेटरों ने ये चेताया है कि 22 तक हड़ताल जो है वो ऐसे ही लगातार जारी रहेगी। और ये जो कानून सड़क सुरक्षा को लेकर के केंद्र सरकार लेकर के आई है, हिट एंड रन जो ये कानून केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है, उसका विरोध यहाँ पर ये ट्रक ऑपरेटर जो है वो कर रहे हैं। तमाम ट्रक ऑपरेटर कुछ चंबी चौक देख सकते हैं वहां पर खड़े हैं, कुछ गग्गल जगह जगह ये ऑपरेटर जो है वो हड़ताल किए हुए हैं।
अब देखना ये है कि इम्पैक्ट जो है वो इनकी हड़ताल का सरकार पर पड़ता है, और ये जो सड़क सुरक्षा को लेकर के नया कानून पारित किया गया है उसमें उसे वापस लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है। क्योंकि जो भी यहाँ पर यात्री पहुँच रहे हैं वो दुविधा में है कि आज जाना होगा या नहीं। फिलहाल आप देख सकते हैं कुछ एक बसें जो है वो शुरू हो गई हैं, और पहले भी कहा था कि एम्बुलेंस को रास्ता जो है वो दिया जाएगा, जो इमरजेंसी होगी उसे रास्ता दिया जाएगा, लेकिन ऐसे में कोई भी गाड़ी जो है वो नहीं सड़कों पर दौड़ेगी। भैया हाँ, चलिए जानते हैं कब तक ये कानून जो है वो चलेगा। क्या नाम है? तमाम ट्रक ऑपरेटर और इनसे जाने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। ये हड़ताल आज से शुरू है, कब तक चलेगी? एक तक चलेगी लगातार। तो बसें किस तरीके से रोकी जा रही है, ट्रक किस तरीके से रोके जा रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं सड़कों पर लगातार गाड़ियां। सरकार ने कानून लागू किया, जैसे कि ड्राइवर तो सभी है, बाइक वाला भी ड्राइवर है, कार वाला भी ड्राइवर है, 7 साल अंदर हो जाओगे, 10 साल के लिए 7 लाख जुर्माना। हमारे पास 7 लाख रुपया होगा तो हम जरूरी ड्राइवरी करेंगे, समझो ड्राइवरी करेंगे, फिर घर में बैठेंगे जी। हमारी सरकार से यही अनुरोध है कि हमारी जो कानून की अपना कानून वापस ले लो बस जी। अगर सरकार नहीं वापस लेती है फिर क्या रहने वाला है? तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल का कुछ खासा अगर चंबी की बात करें, यहाँ पर तो लगातार गाड़ियाँ जो है वो आ जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, किस तरीके से देखो? और जब तक हमारी मांग सरकार ने पूरी नहीं की तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। आज से लेकर के 22 तक ये हड़ताल की बात जो है वो कर रहे हैं। तो चलिए दर्शकों, इसी के साथ तो मुझे नहीं चाहिए किसी और नए में अपने साथ से जुड़ना होगा। घर के बारे में तो चलिए दर्शकों, इसी के साथ मुझे इजाजत, अगले लाइन में आपके साथ से जुड़ना होगा, बने रहिए पंजाब की सी टीवी के साथ। नमस्कार।